बैक टू माई चैनल। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है दही हंडी, कल थी जन्माष्टमी। आप सभी लोगों को विश वेरी हैप्पी जन्माष्टमी। और अभी जो है ना करीब 7:15 बज रहे हैं। मैं जस्ट ऑफिस से एक आधे घंटे पहले आई हूँ आज, और आकर फ्रेश हुई हूँ। और अभी देखो आप लोगों को बहुत बैकग्राउंड में वॉइस भी आ रहा होगा ना, क्योंकि हमारे घर के सामने, मैं आपको बैक कैमरे से बताऊंगी, यहाँ पे ना मंडप लगाया हुआ है और स्टेज बांधा है। यहाँ पे होने वाली दही हंडी, हमारे घर से एग्जैक्ट सामने दही हंडी, मतलब बालकनी में भी खड़े रहेंगे ना तो एकदम क्लियरली दिखने वाला। और यहाँ पे एक एक्ट्रेस आने वाली है। अगर आप लोग मुझे पहले से फॉलो करते हो, आपने लास्ट ईयर का मेरा ब्लॉग देखा होगा, तो मैंने लास्ट ईयर भी दही हंडी के टाइम पर ऐसे ही वीडियो शूट किया था। यही जगह पर दही हंडी हुई थी हमारे घर के सामने, और तब जो है ना मराठी एक्ट्रेस थी तुला पाहते ये सीरियल में की गायत्री दातार, तो उनका मैंने वीडियो शूट भी किया था, हमने फोटो भी खींचा था, बहुत मजा आई थी। और बस उसी तरह इस साल भी एक मराठी एक्ट्रेस है। कौन सी मराठी एक्ट्रेस है आपको आगे जाके इस वीडियो में पता चलेगा। तो बस वो आने वाले हैं और हम लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि दही हंडी देखने के लिए। देखो पहले ना हम लोगों को बहुत घर से दूर दूर जाना पड़ता था बचपन में दही हंडी देखने के लिए, लेकिन अभी पिछले साल से ही है ना हमारे घर के सामने ही दही हंडी होने वाली है, हो रही है, इस साल भी हो रही है। और बहुत ज़्यादा कंटिन्यू म्यूज़िक भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं। कल रात से ही, रात के 12-1 बजे तक उन्होंने स्टेज वगैरह बनाया, और फिर आज पूरा डेकोरेशन वगैरह करके सारे अरेंजमेंट्स किए, और करीब 6 बजे से उनके गाने चालू हो गए। तो मैं अभी आ गई हूँ, और थोड़ी देर के बाद हम लोग जाने वाले, तैयार होंगी मैं अभी, और फिर थोड़ी देर के बाद हम जाएंगे नीचे। वहाँ पे मैं आप लोगों को दही हंडी भी बताऊँगी, जो एक्ट्रेस आने वाले वो भी रिवील करूँगी, और वीडियो भी थोड़ा बहुत शूट करूँगी, देखते हैं कैसे क्या होता है। अभी आपको लोग मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू बता देती हूँ, जो हंडी मटका लगाया दही हंडी फोड़ने के लिए वो बता देती हूँ, और फिर बहुत सारी टीम्स भी आएंगी यहाँ पे। तो अभी मम्मी जो है, मम्मी भी फटाफट खाना बना ले रही है, ताकि फिर जब काम प्रोग्राम शुरू होगा तो मम्मी बालकनी में से देखेगी, या मम्मी नीचे आएगी या फिर यहीं से देख लेगी। बट मैं और पीयूष हम तो नीचे जाने वाले हैं ना। पीयूष अभी गाने वगैरह ढूंढ रहा है रील्स वगैरह के लिए, और वो खुद भी सुबह से आज जो है यहीं पे खिड़की पास बैठा हुआ है, देखने के लिए किस तरह से अरेंजमेंट्स हो रहा है, किस तरह से प्रोग्राम हो रहा है। ये देखो गाइस, ये यहाँ पे स्टेज, और ये ऊपर जो है दही हंडी। आप लोगों को यहाँ से क्लियर नहीं दिखेगा, मैं आप लोगों को ना नीचे जब जाऊंगी ना, बट मेरे घर से एग्जैक्ट सामने है ये, मतलब यहाँ खिड़की से मुझे दिख रहा है। मटकी लगाई हुई है यहाँ पे, और सारा अरेंजमेंट किया हुआ है। अभी तो लोगों की गर्दी आना शुरू होगी, 7:30-8 बजे के बाद जो है लोग आएंगे यहाँ पे बहुत सारे। और यहाँ पूरा रोड जो है ना सामने वाला, वो बंद करके रखा है। देखो अब क्लियर दिख रहा है ना, ये देखो ये पूरा जो उस साइड का रोड है ना, वो बंद करके रखा हुआ है। सारी गाड़ियाँ वगैरह इधर से जा रही है, क्योंकि उधर से अभी ये साइड से ना सारी जो पालकियाँ वगैरह है, मतलब जो लोग भी आएंगे दही हंडी फोड़ने के लिए, वो टीम वगैरह सब इधर से आती है। और ये स्टेज, लास्ट टाइम भी ऐसे ही स्टेज बांधा था यहाँ पे, और हम लोग स्टेज के ऊपर गए थे। इस बार पता नहीं स्टेज पे ऊपर जाते आएगा नहीं जाते आएगा, क्या अरेंजमेंट है कैसा है। तो बस हम लोग अभी जल्दी से तैयार भी होते हैं, और फिर देखते हैं कि हम ऊपर पहुँचते हैं या नहीं स्टेज पे। A few moments later. Hello guys, so अभी मैं रेडी हो गई हूँ और नीचे जाने वाली हूँ। पापा बस आ ही रहे, तो पापा मैं और पीयूष हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं, मम्मी घर पे ही है। और अभी बज रहे हैं 7:30 बज रहे हैं। तो वहाँ पे भी अनाउंसमेंट चालू हो रही है, और अभी जो है प्रोग्राम चालू होने वाला है। बहुत सारी टीम वगैरह भी आई हुई है दही हंडी फोड़ने के लिए। मैं एकदम सिंपल से तैयार हुई हूँ रात में, क्योंकि वैसे भी भीड़ ज़्यादा रहेगी। तो ये एक लहंगा और टॉप पहना है एकदम सिंपल सा, और जस्ट चलते हैं अभी नीचे जाके, देखते हैं क्या तैयारी वहाँ पे। तैयारी तो बहुत ज़्यादा, आवाज़ वगैरह तो आ ही रहा है यहाँ से, बट हम लोगों को आज आना है, तो जाके फिर देखते हैं, उसे नीचे लेके जाते हैं, फिर आप लोगों को।
स्टेज के ऊपर आई हूँ। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था, इस तरह हम लोग स्टेज पे आए थे और एक एक्ट्रेस का वेट कर रहे थे। आज यहाँ पे आ रहे हैं, अबोली मराठी सीरियल है अबोली नाम का, उसकी एक्ट्रेस गौरी कुलकर्णी। तो कितने लोग वो सीरियल देखते हैं मुझे कमेंट में बताना। और अभी यहाँ पे स्टेज पे आए, अभी तो आए नहीं, अभी दही हंडी जो है वो चालू होने वाली है। दही हंडी की जो ये है ना पिरामिड्स बन रहे हैं यहाँ पे, जो आप लोग भी यहाँ स्टेज पर से बताती हूँ। नमस्कार, मी गौरी कुलकर्णी। यंदाच्या दही हंडी महोत्सवाला मी येते तुम्हाला सगळ्यांना भेटायला आपल्या लाडक्या अशा छत्रपती संभाजीनगर। छत्रपती संभाजीनगर पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात जिल्हा परिषद स्थायी समिती सदस्य माननीय श्री रमेशदादा गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वायू फाउंडेशन यांनी आयोजित केलेल्या भव्य दिव्य अशा द्वारकाधीश दही हंडी महोत्सवाला 27 ऑगस्टला संध्याकाळी 7 वाजता माझ्या गाव फुलांचे फुल
पाखरू हसते उंजळीत स्वप्नांचे इवलीशी आशा उंबराव जळते मीच काजळाची पीट लावते अवचित कोणी यावे मी त्याचे जग फुलवावे त्याने माझ्या पायीचे काटे वेचून घ्यावे राशी खुले बोली वापस आ गई मैं अपने हाल पे घर आई जो एक्ट्रेस थी उनके साथ मेरे फ़ोटो तो बहुत ज़्यादा मैंने बहुत अच्छे से खींचा गौरी कुलकर्णी मैडम के साथ फ़ोटो और उसको मैंने इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया है उन्होंने भी मेरी स्टोरी को रीशेयर किया है उनके पेज पे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और अभी जो है मैं वीडियो की एडिटिंग की कर रही थी तभी मैंने ये चीज़ देखी और ज़्यादा कुछ एंड नहीं कर पाए मतलब लास्ट टाइम जो था ना मैं एकदम लास्ट तक वहीं पे स्टेज पे थी जब तक गायत्री मैडम निकले नहीं थे स्टेज पे से बट इस टाइम पे मैंने मतलब जैसे हमारा फोटो हुआ और मैं जब पीछे आई तो मैंने देखा पूरा के पूरा स्टेज जो है वो लोगों से भरा हुआ है इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी स्टेज के ऊपर कि चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा था उसमें पीयूष को भी जो है ना थोड़ा सा वायरल
सब हुआ है, उसको भी जो है सर्दी जैसा था, तो मम्मी का भी बोलना था कि उसको ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुकाना है, क्योंकि फिर जितना ज़्यादा डस्ट और गर्दी में रहेगा उतना उसको भी हेल्थ की प्रॉब्लम्स आएगी, और मेरा खुद का भी बहुत ज़्यादा सिर दुख रहा था। तो फिर हम लोग तुरंत जो है घर पर आकर फ्रेश वगैरह होके हम लोगों ने डिनर वगैरह किया। डिनर तो मम्मी ने पहले ही 7 बजे ही बना दिया था, तो वही थोड़ा बहुत डिनर वगैरह किया है। और अभी जो है पीयूष सो गया दवाई वगैरह लेके, उसकी मम्मी टीवी देख रही है और मैं एडिटिंग कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंचा सकूं। बट ओवरऑल आज जो है सुबह मुझे ऐसा लगा भी नहीं था कि मैं जा पाऊंगी शायद, क्योंकि मेरा ऐसा प्लान था कि अगर थक के आई या लेट हो गया ऑफिस से तो मैं शायद जाऊंगी भी नहीं, मैं मेरी बालकनी में से ही जो है वो देखने वाली थी। बट लकीली ऐसा कुछ मैनेज हो गया सब कुछ, मैं घर पर आई और उसके बाद फिर तैयार होकर वापस से गई, तो इट वाज़ ऑल मैनेजेबल। और उसके फिर से मैं इतना अच्छा वीडियो भी बना पाई आप लोगों के लिए भी, और मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया आज। और दही हंडी का ये जो प्रोग्राम है और दही हंडी का जो फेस्टिवल है बहुत अच्छे तरीके से आज ख़त्म हुआ, और अब आने वाले दिनों में गणपति बप्पा आने वाले, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप लोग कितने एक्साइटेड हो बताना। बहुत जल्दी हम लोग गणपति बप्पा के लिए भी शॉपिंग की तैयारी करने वाले हैं, शॉपिंग करेंगे और फिर देखते हैं आगे क्या होता है कैसे होता है। तो आने वाले वीडियोस इंटरेस्टिंग रहेंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ गाइज, वंस अगेन विश यू ऑल वेरी हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी गोपाल काला, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ आप लोगों से एक नए इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।